हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगी। तो आज है 10 मई 2024 से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसको इस वीडियो में हम देखेंगे, और साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गायता पखना किस जनजाति की विशेष परंपरा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, बैगा, अबुजमारिया, गोंड, उराव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अबुजमारिया की क्या है ये विशेष परंपरा है। तो कौन सा? तो गायता पखना, ठीक है, ये क्या है तो अबुजमारिया जनजाति के यहाँ विशेष परंपरा है। और इसको कब मनाया जाता है? जब आदमी की मृत्यु हो जाती है और उसको हम लोग ज़मीन में दफनाते हैं, तो मट के ऊपर में, ठीक है, जब मिट्टी में दफन कर देते हैं तो उसके ऊपर में एक चबूतरा टाइप बनाते हैं, उसी में बैठकर इसको, ये जो गायता पखना है, गीत गाकर इसको किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ी आईपीएल में क्रिकेट खेल रहे हैं? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे ही जाएंगे। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 3, 4, 5, 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 3 खिलाड़ी, ठीक है, जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से है और अभी आईपीएल मैच खेल रहे हैं। आप नाम इनका नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैं इनका नाम बता दे रहा हूँ, ठीक है। पहला पंजाब किंग, जो पंजाब टीम है, ठीक है, उनके तरफ से कौन कौन है? तो हरदीप भाटिया, शशांक सिंह, ठीक है, ये दोनों पंजाब टीम की तरफ से खेल रहे हैं। और चेन्नई के तरफ से, ठीक है, चेन्नई की तरफ से कौन है? तो अजय मंडल, ठीक है, ये कौन है? तो ये भी छत्तीसगढ़ से है और यहाँ चेन्नई की टीम से खेल रहे हैं, ठीक है। एक बार मैं दोहरा दे रहा हूँ, आप नाम नोट कर सकते हैं, ठीक है। पहला में है हरप्रीत, मैं लिख भी दे रहा हूँ, हरप्रीत भाटिया, ठीक है, हरप्रीत भाटिया, शशांक सिंह, ये कौन से टीम से खेल रहे हैं? तो पंजाब टीम से खेल रहे हैं, ठीक है, पंजाब, ठीक है, ये पंजाब टीम से खेल रहे हैं। और जो अजय मंडल है, ठीक है, कौन सा? अजय मंडल चेन्नई की टीम से खेल रहे हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चर्चा में रहा ऋषभ देव, चंद्रप्रभा, वारिसेन, वर्धनाम की प्रतिमाएं एक जगह पर विराजित है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, नकपुरा, राजीम, सिरपुर, मड़वा रानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नकपुरा में क्या है तो ये विराजित है या विराजित मान है, कौन कौन से? तो ऋषभ देव, चंद्रप्रभा, वारिसेन, वर्धनाम, ये सब की जो प्रतिमाएं हैं, ठीक है, यहाँ पर उपस्थित है और अच्छी तरह से विराजित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित हाप नदी किसकी सहायक नदी है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, अरपा नदी, शिवनाथ नदी, सोन नदी, हसदे नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शिवनाथ नदी, ठीक है, हाप नदी की जो सहायक नदी है वो शिवनाथ है। और अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है और जो हाप नदी की, ठीक है, जो पानी है, ठीक है, वो पूरी तरह से क्या है, सूख गए हैं, क्या हो गया है तो
उत्सुक हैं, ठीक है। और अभी इसीलिए यहाँ चर्चा में है क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता होगा, क्योंकि नदियों का, ठीक है, जो पानी है वो जल्दी सूखा नहीं पड़ता है। और अभी गर्मी इतनी ज़्यादा तेज़ हो गया है कि अभी सूख गया है, इसीलिए यहाँ चर्चा में है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि मेरे इस वीडियो से यदि आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडिया गार्ड।